हेलो एवरीवन, टुडे वी विल स्टडी इन हिंदी सब्जेक्ट चैप्टर 10 क्योंजीमल और कैसे कैसलिया। इनसे मिलिए, ये है क्योंजीमल। बात बात पर पूछ देते हैं क्यों क्यों क्यों, भले ही आपसे जवाब देते बने या नहीं, पता नहीं क्यों। और ये है उनके दोस्त कैसे कैसलिया। ये भी कोई कम नहीं है, मौका लगते ही पूछ देते हैं कैसे कैसे कैसे। भूले पर के कभी दोनों से एक साथ मुलाकात हो गई तो क्यों और कैसे के बीच ही भटकते रहेंगे आप। क्यों क्यों क्यों, कैसे कैसे कैसे, पढ़िए और पता कीजिए। आइए इस चैप्टर में हम देखते हैं कि क्योंजीमल और कैसे कैसे लिए जो है वो किस तरह से सबको परेशान करते हैं। गुरुजी नमस्ते, किधर चले? नमस्ते, जरा बाज़ार जा रहा हूँ। बाज़ार? क्यों क्यों क्यों? गेहूँ पिसवाने हैं इसलिए। बाज़ार? कैसे कैसे कैसे? साइकिल पर। वैसे निकला तो पैदल था पर थैली देखकर शिवदास ने अपनी गाड़ी दे दी। अच्छा, गेहूँ पिसवाने हैं? क्यों क्यों क्यों? अरे आटा जो चाहिए पिसवाना। कैसे कैसे कैसे? चक्की में भई आटा। क्यों क्यों क्यों? क्यों भैया, रोटी नहीं बनाएंगे? रोटी? कैसे कैसे कैसे? अरे आटे को सोनेंगे, बेलेंगे, तवे पर पकाएंगे, आग पर फुलाएंगे, सोनेंगे। क्यों क्यों क्यों? सुनो, सने आटे में थोड़ा पानी रहता है ना, अगर आग पर तपने से यह पानी भाप बनकर भीली हुई रोटी को पकाता है, इसीलिए सोनेंगे। सोनेंगे? कैसे कैसे कैसे? तुमने कभी देखा नहीं है क्या, परात पर आटा निकालेंगे, चुटकी भर नमक डालेंगे, फिर धीरे धीरे एक हाथ से पानी डालते हुए सानना शुरू करेंगे। पहले पहले सारा आटा बिखरेगा, फिर उसे समेटेंगे और अच्छे से सान लेंगे, समझे? अच्छा, परात पर? क्यों क्यों क्यों, कैसे कैसे कैसे? गुरुजी, तुम दोनों की क्यों और कैसे में, मैं तो मेरी चक्की ही बंद हो जाएगी। बंद हो जाएगी? क्यों क्यों क्यों? बंद हो जाएगी? कैसे कैसे कैसे? लेकिन तब तक गुरुजी साइकिल पर सवार फुर हो चुके थे। इस तरह से क्योंजीमल और कैसे कैसलिया जो थे वो गुरुजी को परेशान कर रहे थे। और इस चैप्टर में हमने देखा कि आटा किस तरह से बुनता है, उसे किस तरह से समेटते हैं और किस तरह से रोटी पकती है। ओके, तो इस चैप्टर में हमने क्योंजीमल और कैसेमल को देखा कि वो गुरुजी को परेशान करते हैं और गुरुजी है उनसे पीछा छुड़वाने के लिए वहाँ से भाग जाते हैं। Okay, this chapter is complete here. Now we will meet again with another chapter. Thank you.